जिसने अपनी चाहत को अंजाम तक पहुंचाने के लिए तड़प की हर सीमा पार कर दी उस डिजायर की बात कर रहा हूं जो आग की तरह जलती है जिसे कहते हैं बर्निंग डिजायर जिस तड़प में होश नहीं रहता जिस तड़प में लॉजिक काम नहीं करता जिस चीज को पाना चाहते हैं उसके प्रति अपनी जुनूनियत अपनी जिंदगी की पागलपन अपनी जिंदगी का होशोवास उसमें कोई लॉजिक काम नहीं करता बे तड़प हो उस तड़प से उस चीज को पाने की शिद्दत से जो चाहत रखता है उसे ही मिलती है जिंदगी में फायर उसे ही मिलती है जिंदगी में कामयाबी उसे ही मिलती है जिंदगी में अपने लक्ष्य की प्राप्ति कोई लॉजिक काम नहीं करता जिसकी तड़प पराकाष्ठा तक तड़पती है कुछ पाने के लिए मुझे दुबई चलना है इसकी तड़प जिसकी आग की तरह जल रही है उसको प्रकृति दुबई पहुंचा के रहेगी और जो टेस्ट कर रहा है ना कि मैं देख देखता हूं दुबई जा पाता हूं कि नहीं जा पाता हूं टेस्ट कर कर के देखता हूं टेस्ट कर कर के देखता हूं तू कर ले टेस्ट दुबई तो दूर तू आसपास में गंगापुर सिटी भी नहीं जा पाएगा लेकिन जिंदगी में जिस आदमी ने अपनी तड़प विकसित कर ली जिसको होश नहीं है उस पागलपन के साथ वो पाना चाह रहा है वो जीतेगा एक दिन एक प्रेमिका थी अपने प्रेमी से मिलने के लिए बेसुद दौड़ी जा रही थी होश नहीं था सिर्फ प्रेमी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए दौड़ते दौड़ते रास्ते में एक मुसलमान भाई अपना पवित्र वस्त्र मुसल्ला जिसे कहते हैं वो बिछा के नमाज पढ़ रहे थे इसे होश ही नहीं रहा इसने उस पवित्र वस्त्र के ऊपर पांव रख दिया और पांव रख के आगे चली गई मुसलमान भाई ने बोला कौन बेवकूफ औरत है जिसे ये खबर ही नहीं है मैं खुदा की तपस्या में लीन हूँ इस बेवकूफ औरत को ये पता नहीं है कितनी बड़ी मिस्टेक करके जा रही है वापस आने दो जब वो वापस लौट रही थी तो लौटते टाइम उसने बोला मूर्ख औरत इधर आ तुझे होश नहीं है मैं खुदा की फितरत में लीन हूं तुझे होश नहीं है तूने मेरी तपस्या को भंग कर दिया और इस पवित्र वस्त्र को तूने अपवित्र कर दिया तुझे होश नहीं है वो औरत के आंसू आ गए वो सहम गई डरते डरते और कांपते होठों से उसने बोला मुझे क्षमा कर दो भाई साहब मुझसे महान पाप हो गया मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई मैं ज़िंदगी में आपसे क्षमा मांगती हूं अपने पाप के लिए प्राश्चित करूंगी लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है मैं सांसारिक प्रेम के बंधन में बंधित थी मुझे नहीं पता चला तेरे मुसल्ले पे पांव रख दिया तू अल्लाह के प्यार में मस्त था तुझे कैसे पता चला मैंने तेरे मुसल्ले पे पांव रख दिया कैसे पता चला पागलपन की हर हद जिसको चाहिए वही दुबई जाएगा पागलपन की तड़प जिसमें है वही दो लाख दस हजार रुपए कमाएगा जिसने अपनी पूरी पुरानी पूरी फाइलें डिलीट कर दी नया संसार बनाने के लिए अपने पुराने संसारों में में हड़कंप मचा दिया, ज़िंदगी अपनी कामयाबी की पराकाष्ठा पागलपल और इतनी जुनूनियत के साथ कि दुबई तेरे बिना मैं रह नहीं सकता क्योंकि तू मेरा अचीवमेंट है तेरे से मेरी इज्जत होगी तेरे से मेरे नगर में इज्जत होगी तेरे से मेरी जिंदगी में कुछ अचीवमेंट होगा इस सेकेंड इंटरनेशनल कन्वेंशन में अगर चला गया तो पिछले नाकामयाबी के सारे दाग धुल जाएंगे रे ये तड़प जिसको जगा दे ये नींद जिसकी उड़ जाए जिसको कर्जे से नींद टूट जाए जिसकी तड़प अपनी पराकाष्ठा अपने अंजाम तक पहुंचने के लिए रात दिन मेहनत करने का जज्बा जिसका बन गया प्रकृति दौलत चरणों में लाके डालती है चरणों में लाके दौलत डालती है लेकिन तड़प के साथ उस डिजायर को अपने प्राणों से पूरी प्यास से जो लगाएगा वो जिंदगी में अचीवमेंट करेगा अपनी प्रोग्रामिंग अपनी थॉट्स अपनी फीलिंग्स और अपने एक्शन को बदलने से आपकी डिजायर में कई गुना वृद्धि होगी आपकी डिजायर आपके पास नजदीक आना शुरू हो जाएगी क्योंकि सोच का कितना बड़ा गेम है आज रात तक अपन तीनों सोच के ऊपर बात करने वाले हैं जिंदगी को गाइड ही सोच करती है पूरी लाइफ को गाइड अगर कोई करता है तो वो करती है आपकी सोच आपकी बर्निंग डिजायर अगर मजबूत है स्ट्रोंग है पुकार रही है आपके अचीवमेंट को तड़प के साथ तो कब खाया होश नहीं रहेगा कब सोया होश नहीं रहेगा नींदों में भी अचीवमेंट पुकारेगा अरे मुझे एस बनना है अरे मुझे एन बनना है अरे मुझे आई बनना है अरे मुझे जिंदगी में डायमंड बनना है ध्यान रखना इस तड़प के साथ अगर आपका सपना आपको पुकारेगा इस तड़प के साथ अपने आप को धकेलोगे इस चाहत को अपनी पराकाष्ठा तक लेके जाओगे आपकी कामयाबी आपके पास आएगी एक बहुत ऊंचाई से कूदने वाला आदमी था जो दुनिया में सबसे ऊंचाई से कूदता था उसको पूछा रिपोर्टर्स ने अरे इतनी ऊंचाई से कैसे कूदते हो भैया कुछ तो फार्मूला होगा इतनी ऊंचाई से भी कोई कूद सकता है क्या उसका आंसर सुनो सबसे पहले ऊंचाई पर जाता हूं और वहां जाने के बाद डर लगता है और जिस हिस्से को डर लगता है उसको बोलते हैं कलेजा सबसे पहले इसको निकाल के फेंकता हूं और उसको लेने के लिए कूदता हूं उसको लेने के लिए कूदता हूं अगर जिंदगी में आपकी डिजायर स्ट्रांग है आपका ड्रीम आपको तड़प के साथ बुला रहा है तो इतना खपा दोगे अपने को कि होश नहीं रहेगा इतना खपा दोगे कि होश नहीं रहेगा वो जो बीज है जिसके जर्रे जर्रे में वृक्ष छिपा हुआ है वो अपने आप को कितना खपाता है वृक्ष बनने के लिए पूरा खपा देता है वृक्ष बनने के लिए क्योंकि तड़प पुकारती है वो दूध अपने आप को घी बनाने के प्रोसेस के लिए अपने आप को थोड़ा थोड़ा नहीं अरे पूरा लुटा देता है पूरा खपा देता है तब बनता है वो घी अपनी जिंदगी में एक पत्थर प्रतिमा तक पहुंचने के लिए कितना तड़पता है रे, इतने खून के आंसू रोता है इतने अथोड़े और छेने की चोट है, अपने आप को पूरा लुटा कर बनता है एक खूबसूरत प्रतिमा पूरा खपाना होगा पूरा अपने आप को लगाना होगा अधूरा नहीं फिर देखो आपके सपने आपके आंखों के आगे नाचते हुए नजर आएंगे लेकिन आपकी डिजायर और आपकी तड़प आपकी तड़प आपकी तड़प ये डिसाइड करेगी कि वस्तुएं आपसे कितनी दूर और कितनी नज़दीक है एक कहानी में हर बार कहता हूं लेकिन बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम आए आज फिर कह रहा हूं एक मैसेज जाता है आपकी जिंदगी में कि जिंदगी में आपकी बर्निंग डिजायर जब होती है तो प्रकृति के नियम भी फेल हो जाते हैं एक घोड़ों की रेस थी अलग अलग पंचायतों से घोड़े बुलवाए गए एक पंचायत में घोड़ा नहीं था तो पंचायत ने कहा भाई साहब अपने गांव की इज्जत का सवाल है उन्होंने बोला क्या किया जाए कि घोड़ा नहीं है गधे को तैयार करो अब उन्होंने पूरे गांव ने ढूंढा गधों में गधों में हड़कंप मच गया और अब मरवा दिया घोड़ों में भेजेंगे हमें गधों में हड़कंप मच गया गधों में हड़कंप मच, मच गया लेकिन फिर भी जो हृष्ठ था ना गधा थोड़ा सा घोड़े जैसा लगने वाला उसको लिया उसको लेके कि भाई तू कर सकता वो कहता मरवाओगे मत भेजो मत भेजो नहीं नहीं तू कर सकता है तू कर सकता है उसको पूरे दो दिन का आरटीपी दे दे के दे दे के बोला तू कर सकता है तू कर सकता है तू कर अब इतने पंप भरते हैं तो कुछ तो फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है गधे ने बोला मैं जाएगा मैं जाएगा गांव की इज्जत के लिए मैं जाएगा रेस में जाएगा पंचायत की इज्जत के लिए पूरा लुट जाएगा लेकिन मैं जाएगा ओके सरपंच तैयार सारी टीम तैयार और गधे को लाके खड़ा कर दिया रेसिंग की लाइन पे और गधा बिल्कुल रेडी लेफ्ट में देखा घोड़े और अब बारे रे राइट में मर रे बारे कांपने लग गए पाँव अब गधा वहां तो ठीक था लेकिन घोड़ों में पहुंचने के बाद तो फर्क पड़ता है ना कांप रहा है टांगे कांप रही है और विशिल बजने वाली है और विसिल बजने के पांच सेकंड पहले वो हुआ जिसने प्रकृति के नियम ही बदल दिए विशिल बजने के पांच सेकंड पहले गांव के सरपंच ने गधे की पूंछ उठा के आधा किलो मिर्ची डाल दी आधा किलो मिर्ची डाल दी और आप कह रहे हो कि रेस का रिजल्ट क्या हुआ अरे रिजल्ट छह महीने तक गधा रुकाई नहीं रुकाई नहीं रुकाई नहीं, रुकाई नहीं। रुका नहीं पांच छह रेस और महीने में वो रुकाई नहीं क्यों जिसके आग लग रही होती है ना आग वो नहीं रुक सकता एक गधा भी घोड़ों को हरा सकता है जब डिजायर अपनी तड़प पे होती है इस कहानी का मैसेज ये है अगर जिंदगी में आप भी कुछ कर गुजरना चाहते हो अपनी डिजायर को थोड़ा होले होले अब थोड़ा सा आंच देना चालू करो उसको हवा देना चालू करो ये चिंगारी को फायर बनाना चालू करो पुरानी सारी फाइल्स इस सॉफ्टवेयर की डिलीट करो नई गरीबी कभी पीछा नहीं छोड़ेगी और नए संसार में प्रवेश करो जो जिंदगी में आपको खुशियां देगा आनंद देगा रोमांचित कर देगा और जिंदगी को बदल के रख देगा ये वाले हिस्से पर आज मेहनत करेंगे और ज़बरदस्त परिणाम देने की प्रयास करेंगे बर्निंग डिजायर तक अगर आपको इस डिजायर को अगर आपको वास्तविकता में बदलना है अगर डिजायर को वास्तविकता में कन्वर्ट करना है आपकी चाहतों को आपके सपनों को हकीकतों में अगर बदलना है तो आपको कुछ हिसारों से कुछ स्टेजेस से कुछ चरणों से गुजरना होगा और वो चरण क्या है जिससे आपकी धन दौलत और सुख समृद्धि बदल जाएगी उन हिस्सों में जो वास्तविकता है सबसे पहले तो आपको अपनी जिंदगी में कितना चाहते हो क्या चाहते हो अरे फिक्स करो रे अरे सारे सिरे जो है ना वो फिक्स करो वन सीआर चाहिए कि टू सीआर चाहिए कि फाइव हंड्रेड चाहिए कि वन थाउजेंड चाहिए आपको कितना सीआर चाहिए आपको जितना सीआर चाहिए आपको जितना सुख समृद्धि चाहिए आपको जिंदगी में जो भी तड़प है आपकी मुझे कितना चाहिए इसके सारे हिस्सों को सारे सिरों को एक बार फिरो, जिसने हिस्से नहीं पकड़ा उसकी फाइल करेप्ट होगी एक दिन हम लोगों से पूछते हैं क्या चाहिए तो लोग कहते मैं इस संसार का भला करना चाहता हूं तू गया तू, तू तेरा ही भला नहीं कर सकता अभी संसार का क्या भला करेगा गया ये जो 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 लोग अपनी जिंदगी में अपना ड्रीम और डिजायर ऐसे बताते हैं ना जिसके चारों हिस्से और चारों सिरे पकड़ में नहीं आ सकते जो पकड़ में नहीं आ सकता उसको आप कभी जिंदगी में अचीव नहीं कर सकते जो प्रिंट में नहीं आ सकता जो बाहर जाएगा प्रिंट आउट से उसको पकड़ने की कोई व्यवस्था नहीं है इसलिए डायलॉगों से वास्तविकता की तरफ अगर जाना है तो कुछ अपनी जिंदगी में आपको सारे छोरों को पकड़ना पड़ेगा एक ही वस्तु एक ही डिजायर के जितने छोर हैं अगर वो पकड़ में आए तो ही अचीवमेंट होगा नहीं तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने मौसम बदल जाएगा जिंदगी बदल जाएगी एक बाबा था वो यूं जा रहा था तो जिधर जा रहा था हवा भी उधर की थी तो बाल मुंह पे आ रहे थे क्योंकि हवा भी इधर की थी तो बाबा का दिमाग खराब हो गया इधर मुड़ गया अब इधर जाने लग गया क्या फर्क पड़ता है ऐसे लोग जिनका डायरेक्शन हवा से ही बदल जाए ऐसे लोग जिनका छोटी सी घटना से ही जीवन का डायरेक्शन बदल जाए वो लोग अचीव नहीं कर सकते सारे छोर आपको डिजायर के पकड़ने होंगे तब अचीवमेंट होगा आज, आज के बाद अपना ड्रीम अपनी डेस्टिनेशन अपनी डिजायर जब भी बताओ ऐसी बताना जो फिक्स हो जिसको प्रिंटआउट में उतारा जा सके बताना चाहिए कितनी भी बड़ी लेकिन उसके छोर पकड़ में आने चाहिए सर आपका ड्रीम क्या है मैं क्या सर मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा अनाथालय खोलना चाहता हूं तू अनाथ हो जाएगा एक दिन लेकिन खोल नहीं पाएगा पता है क्यों जिसके छोर पकड़ में नहीं आ सकते ना वो तुझे पकड़ में नहीं आएगी ये बोल मुझे एक हजार करोड़ रुपए चाहिए जिससे मैं दुनिया का सबसे बड़ा नाथ है ले खोल सकूं उसके छोर पकड़ना जरूरी है फिक्स द डिजायर फिक्स करो उसको जो बात आप बोल रहे हो जिस चाहत के लिए अपने आप को खपा रहे हो उसे फिक्स करो उसे फिक्स करने के बाद ध्यान रखना बलिदान के लिए तैयार रहना त्याग के लिए तैयार रहना दुनिया की हर कामयाबी कीमत मांगती है दुनिया की हर कामयाबी कीमत मांगती है कभी सम्मान कीमत पे लगेगा कभी जिंदगी में आपका अचीवमेंट भी कीमत मांगेगा कभी जिंदगी में आपको जो भी चाहिए उसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी फ्री में कुछ नहीं मिलेगा फोकट में कुछ नहीं मिलेगा बीज कीमत चुकाता है पूरा बलिदान होने की उस विध्वंस से गुजरने की कीमत चुकाता है क्यों अरे उसे पेड़ बनने की जिद है उसे वृक्ष बन जाने की जिद है अपने आप को पूरा विध्वंस से गुजार देने की जिद जिसको है वो बलिदान मांगती है वो कीमत मांगती है प्रकृति के नियम है ये इसमें किसी के बाप की नहीं चलती है कि कोई दुनिया में जादू हो जाएगा बिजली कड़क जाएगी कोई कुछ हो जाएगा कि जादू हो जाएगा इस कंपनी में इतना डाल देता हूं इतना आ जाएगा जादू हो जाएगा प्रकृति में नियम ही नहीं है जादू का नियम ही नहीं है प्रकृति में प्रकृति कहती है दुनिया की हर कामयाबी प्राइस मांगती है कीमत मांगती है और वो कीमत चुकाए बिना अगर कोई अमीर और कामयाब बना तो क्षणिक है एक दिन तू वापस फर्श पे आके गिरेगा और चोट इतनी भारी होगी कि तेरे दोनों हिस्सों में सालों तक दर्द होगा क्योंकि गिरने का दर्द डूडी चक जाती है ढूडी चकना समझते घर जाके गूगल पे सर्च करना व्हाट इज डूडी चकना हाइट जितनी ज्यादा होगी ना गिरने की डूडी उतनी मजबूत चकेगी और ऐसी ढूंढी जिनकी चकी है मेरी जानकारी में अब तक मैं बीस हजार लोगों से मिल चुका हूं जिनकी ढूडी चक चुकी है चक चुकी है जिनकी ढूडी ही खत्म है पूरी जिंदगी हालात खराब है अरे नियम है रे हर कामयाबी सेक्रीफाइस मांगती है जादू वाली कामयाबी परमानेंट और फॉर नहीं है और जब जब कीमत अदा करने का टाइम आता है जो पीछे हट गया वो आज नहीं पूरे जीवन अपनी जिंदगी में कभी अमीर और कामयाब बन नहीं सकता काम चुकानी पड़ेगी कीमत कीमत चुकानी होगी आपको अपने समय की कीमत चुकानी होगी अपनी कई बार भूखे रहकर कीमत चुकानी पड़ेगी कई बार अपनी जिंदगी में अपने बच्चों से दूर रहकर कीमत चुकानी होगी अपनी फैमिली से दूर रहकर कीमत चुकानी होगी प्रकृति आपको जिंदगी की सारी अनुकूलताएं ला दे देगी लेकिन कीमत चुकानी होगी सेक्रीफाइस करना होगा आपको जिंदगी में जो डिजायर है आपकी उसकी एक डेट फिक्स करनी होगी इस तारीख मतलब ये तारीख ये तारीख मतलब ये तारीख जिंदगी में आप जब किसी चाहत को एक डेडलाइन दे, दे देते हो तो हड़कंप मस्ता है प्रकृति में मेरे अभी कुछ लगभग 9 फरवरी 9 फरवरी के दिन मैंने अपना लिपिड प्रोफाइल करवाया तो कोलेस्ट्रोल आया 214, फोर्टीन दो सौ फरवरी मैं बीलाल लेबोरेटरी से बाहर भी नहीं निकला उससे पहले मैंने बोल दिया था सीडी उतरने से पहले नो मार्च नो अप्रैल और नो मई यह कोलेस्ट्रोल हंड्रेड आ जाएगा 90 डेज मैक्सिमम हंड्रेड और वो हंड्रेड मैं अचीव कर चुका हूं 90 डेज नब्बे दिन कलेजों को फेंको कूद लोगे कलेजों को फेंको कूद लोगे नहीं फेंके बिना तो कैसे कूदोगे क्योंकि डर लगेगा फिक्स द डेट जो चाहते हो उसको डेट दे दो वहीं पे ऑन द स्पॉट डेट इस दिन तक ये अचीवमेंट हो जाएगा आप अपनी लाइफ में अपने ड्रीम को अपनी डिजायर को जब डेट में कन्वर्ट कर देते हैं ना तो रास्ते में फिर इधर उधर ध्यान नहीं जाता ध्यान नहीं जाता इधर उधर नहीं तो पेड़ आए तो उसकी हवा खाने का मन करता है रेस्टोरेंट आए तो वहां चाय पीने का मन करता है आपको जाना है जयपुर से दिल्ली 250 किलोमीटर साढ़े चार घंटे नॉन स्टॉप चार घंटे अगर चार घंटे में पहुंचना है तो रेस्टोरेंट नहीं दिखेंगे कोई ट्रैफिक नहीं दिखेगा रास्ते में कोई छाया नहीं दिखेगी मौज मस्ती नहीं दिखेगी और आप रवाना तो हो गए पहुंचना कब है कुछ पता नहीं है तो आपको दस बार तो सुसू लगेगी दस बार आपको कहीं मन करेगा रेस्टोरेंट पे बैठ जाएं, दस बार घूमने का मन करेगा दो मिनट रुक जाए यार रेस्ट कर लेते हैं आप पहुंचेंगे दस घंटे में जैसे ही आप किसी चीज़ की डेट और टाइम फिक्स करते हैं वो डिज़ायर आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाती है और आपकी डिज़ायर आपको पुकारने लगती है क्रिएट ए डिफिनेट प्लान आपको जिंदगी में उस डिज़ायर जो चाहते हो मुझे टीसी बनना है इस डिजायर को अगर पूरा करना चाहते हो एटीसी बनना है इस डिजायर को अगर आप पूरा करना चाहते हो मुझे अचीवमेंट करना है दुबई का लास्ट डेट है मेरी जिंदगी में तेरा जुलाई अगर डेट फिक्स है इसके लिए एक डेफिनेट प्लान बनाओ अरे मुझे दिल्ली जाना है जयपुर से क्या उपाय है मेरे पास चार घंटे इसका मतलब मुझे पहले 40 मिनट में शाहपुरा क्रॉस करना है मुझे पहले 40 मिनट में मुझे पहले 100 मिनट में मुझे कोट पुतली क्रॉस करना है मुझे जिंदगी के डेढ़ सौ मिनट में मैक्सिमम डेढ़ सौ मिनट में मुझे बहरोड क्रॉस करना है तब मैं दिल्ली पहुंचूंगा आपको एक प्लान बनाना होगा और जिस हिस्से के प्लान में आपने अचीवमेंट नहीं किया वहीं पे आपको लग जाना चाहिए मुझे स्पीड बढ़ानी चाहिए आपको एक डेफिनेट प्लान बना हो, बनाना होगा दुबई के लिए अगर आप दुबई का अचीवमेंट करना चाह रहे हो अगर आपको यह कॉन्टेस्ट विन करना है तो एक डेफिनेट प्लान कि दुनिया की कोई मोहिनी दुनिया की कोई ताकत दुनिया का कोई डर दुनिया का कोई लालच आपको डिगा नहीं सकता एक डेफिनेट प्लान डेफिनेट प्लान उसे कहते हैं जिसमें नेगोशिएशन की गुंजाइश नहीं है जिसमें कोई घटना घट गट जाए रे उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता आपको है ना जन्म मरण और परण ये तीन टलते नहीं है ये संस्कृति है कि नहीं है भारतीय संस्कृति कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन जन्म मरण और परण तीन कभी टलते नहीं है जन्म मरण और परण के साथ आप अपनी डिजायर को लगा दो यह भी टलेगी नहीं लेकिन इतना कठोर अपने आप को इसके लिए झोंक देना अचीवमेंट आपके पास होगा <laughs> <laughs> सब कुछ लिखो जो चाहते हो राइट डाउन एवरीथिंग जो भी आपकी चाहत है उसे लिखो लिखना मतलब अपनी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण है मैंने अपनी जिंदगी के रिजल्ट्स को देखा है मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस आपको बताता हूं लिखना कितना इफेक्टिव है सपनों की गणित जो लोग जानते होंगे इंडिकेटर्स होते हैं सपने जो लाइफ में कुछ संकेत देते हैं अगर उनका अर्थ सही पता हो तो प्रकृति आपको इशारा करती है अगर आपकी लाइफ में आपने कभी देखा होगा जाना होगा सपनों की विज्ञान को तो वो ये कहती है कि जिस सपने का रिजल्ट आपको लग रहा है इसका रिजल्ट इसका संकेत गलत है आपको उस सपने को रात को ही उठ के लिख देना चाहिए और जला देना चाहिए कागज पे उसका प्रभाव 90 परसेंट खत्म हो जाता है यह एक सिंपल प्रिंसिपल है सिंपल विज्ञान है सपनों की विज्ञान जलाना इसका मतलब लिखने से जलाने से लेकर रिजल्ट तक अगर कुछ बदलाव आ रहा है इसका मतलब लिखने में कुछ ताकत है लिखना मतलब कुछ ना कुछ उसमें मूर्त रूप दे देता है लिखना मतलब उसकी जिंदगी में उसका मूर्त रूप देना उसका मूर्ति बनना जैसा हो जाता है <clears throat> आज से दो साल पहले सुबह तीन बज के पंद्रह मिनट पे मुझे भूकंप का स्वप्न आया भारी स्वप्न था तबाही थी तगड़ी सुबह नहीं सवा तीन नहीं था सवा छह बजे था सुबह सवा सुबह सवा छह का मतलब होता है कि अगले बारह घंटे भी डेंजरस हैं जब आखिरी पैर में आता है तो मतलब अब इस बात को आप बहुत अलग से मत समझना एक कर रहा हूं मैं आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स लाइफ में आपके जागृत हो जाते हैं जब आप सेंसिटिव हो जाते हैं सवा छह बजे आया और समझ गया जलाया लिख के जलाया लेकिन उसी दिन सवा तीन बजे दोपहर में इतना तेज भूकंप आया था कि फिलीपींस और इसमें लगभग थर्टी लोग मारे गए थे आप ये कल्पना करो कि जिस भूकंप की तीव्र फिर न्यूज सुनी हमने दोपहर को साढ़े तीन बजे बाहर भी निकले थे दो लाख से ज्यादा लोगों को ले जाता आप ये मान के चलना लिखने में पावर है लिखने में मूर्त रूप ले लेती ले है शक्ति मूर्त रूप ले लेती है पावर आपको अपनी जिंदगी की डिजायर को लिखना चाहिए लिखने से वो आपके करीब आना शुरू हो जाती है मैं तो जिंदगी में जब जब संसार के चपड़ों में फंस जाता हूँ ना जब कहीं रास्ता नहीं मिलता तो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता हूँ कभी नहीं सिर्फ एक कागज लेता हूँ उस पर अपनी जिंदगी के दुखों को लिख देता हूँ सात दिन दस दिन पंद्रह दिन तीस दिन मैक्सिमम प्रकृति अपने काम को लग जाती है और काम हो जाता है मतलब कुछ जलाया है उसका रिजल्ट आया है इसका मतलब कुछ लिखा था, उसका रिजल्ट है इसको किस वे में ले रहे हो आप जब इसका असर जलाने से नकारात्मक हो सकता है तो इसको बना के रखने से इसका रिजल्ट सृजनात्मक भी हो सकता है और आपकी डिजायर आपके पास भी पहुंच सकती है डेली अपनी चाहतों को रोज पढ़ो अपनी चाहतों को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए रोज पढ़ो जो भी आपके गोल्स हैं कार कौन सी लानी है घर कब बनाना है जिंदगी में सोर्सेज को कैसे रिसोर्सेज में बदलना है जिंदगी में कब आपको पेशेव इनकम तक पहुंचना है कब रॉयल्टी लेनी है कब जिंदगी में नेटवर्क को इतना मजबूत कर लें कि वो नेटवर्क बनने लग जाए कब कब जिंदगी में जो जो चाहिए उसको लिखो और रोज पढ़ो उसको डेली रीड करो क्यों जरूरत है जिंदगी में डिजाइन की क्योंकि डिजायर आपको भटकने नहीं देती अरे पिताजी के हार्ट अटैक आया हुआ हो और आप कार में लेके और हॉस्पिटल जा रहे हो और रास्ते में कोई कार के ऊपर आपकी कार के ऊपर थूक देवे तो रुक के पहले उसका हिसाब करोगे ना नहीं। बोलो बोलो नहीं। बताओ पीछे वाले भाई साहब अच्छा रास्ते में कोई गोबर फेंक दे कार पे बताओ बताओ अच्छा रास्ते में कोई कीचड़ फेंक दे कार पे पहले उतर के उनका हिसाब करोगे ना इस लक्ष्य की यात्रा में कई बार कीचड़ आएगा कई बार हर्डल्स आएंगे कई बार ट्रैफिक मिलेगा कई बार रेड लाइट मिलेगी कई बार हॉर्न मिलेंगे कई बार टायर पंचर होने का प्रयास होगा अरे कुछ भी हो जाए हॉस्पिटल पहुंचने से दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती ये तड़प चाहिए यह देती है आपकी डिजायर आपको फोकस रखती है आपको लक्ष्य पे केंद्रित रखती है भटकाती नहीं है मौसम बदला कि जिंदगी की, की हवाएं बदल गई ऐसा नहीं चाहिए जिंदगी आपकी अपने लक्ष्य की तरफ ही जाए ये डिजायर आपको फोकस देती है डिजायर आपको अपनी जिंदगी में कितना आगे आए और कितना आना बाकी है ये नापने का पैरामीटर्स देती है दुबई में जितने वीक बाकी हैं और जितने निकल गए इसको नापने में आपकी डिजायर आपको मदद करेगी कि अब जो सात आठ वीक बचे हैं उसमें करने के लिए क्या प्लानिंग करूं उसके लिए क्या जबरदस्त अचीवमेंट करने के लिए प्लानिंग करूं यह आपको मेजर करती है अनडिस्ट्रक्टेड रखती है डिजायर डिस्ट्रक्ट नहीं होने देती डिजायर आपकी डिजायर अगर स्ट्रोंग है तो जिंदगी में आपको रोड से हटने नहीं देती आपको भटकने नहीं देती और अगर जिंदगी में डिजायर स्ट्रोंग नहीं है तो भटकोगे या तो डर से भटकोगे लालच से भटकोगे और लक्ष्य से भटक गए एक बार जिंदगी में तो फिर वापस मुश्किल है क्योंकि प्रकृति एक बार का भी किया हुआ माफ नहीं करती आपको लाइफ में अनडिस्ट्रक्टेड रखती है डिजायर डिस्ट्रक्ट नहीं होने देती आपको भटकने नहीं देती डिजायर डिजायर आपको प्रोक्रास्टिनेशन से ओवरकम करती है टालमटोल नहीं करने देती अभी मतलब अभी इसी मतलब इसी वक्त Right now, Matlab right now. आपको प्रोक्रास्टिनेशन से मुक्त करती है आपकी बर्निंग डिजायर क्योंकि दुनिया में टालमटोल नाम की बीमारी सबसे घातक है जो लोगों के रूह को जकड़े हुए हैं आज नहीं कल कर लेंगे प्लान दिखाने चलना है आज नहीं कल कर लेंगे अरे वो होम मीटिंग करने की बात कब करेंगे सर कर लेंगे वो सर अपने एनडीओ पी कब करेंगे अरे वो तो जब अपना अपलाइन कहेगा तब करेंगे अरे सर मेरे ग्रुप का बीबीएस अपन करेंगे वो सर कब करेंगे जब ऊपर वाले चाहेंगे तब करेंगे सर मैं क्या करूं होम मीटिंग क्या करूं मेरा अपलाइन तो आता ही नहीं है मैं क्या करूं मैं जब चाहेंगे वो करेंगे अरे अभी कर दे जब सोचा उसी टाइम ऑन द स्पॉट ही कर दे होम मीटिंग के लिए दुनिया में किसका वेट कर रहा है कर दे कब जिंदगी में आप किताबें पढ़ना शुरू करोगे कर दे जिंदगी में कब आप ट्रेनिंग में आओगे आजा जिंदगी में आप जो कामों को आगे के लिए छोड़ते हो ना ऐसे मज्जियों जैसे पूरी जिंदगी बाकी है काम ऐसे किए जाते हैं जैसे लास्ट डेट आज शाम को ही है जिंदगी की ऐसे काम निपटाने पड़ते हैं <laughs> प्रोक्रास्टिनेशन नहीं की जाती ऑन द स्पॉट मतलब ऑन द स्पॉट प्रोक्रास्टिनेशन नहीं और जिस दिन प्रोक्रास्टिनेशन से ओवरकम कर गए तो नेचर ऐसा बन जाता है नेचर ये ऐसा बन जाता है कि आपको सोल्यूशन से एक मिनट में समझ में आते हैं आपकी लाइफ में आप चीजों को पोस्टपोन नहीं करते डिजायर आपको जिंदगी में सबसे बड़ा मोटिवेशन देती है वो है आपकी बर्निंग डिजायर मीटिंग का मोटिवेशन पांच दिन रह सकता है अच्छी ट्रेनिंग का मोटिवेशन तीस दिन रह सकता है लेकिन जिसके सपनों की आग जल रही है उसका मोटिवेशन कभी खत्म नहीं होता रहे कभी खत्म नहीं होता जिस मांझी को अपनी पत्नी की मौत से तड़प थी अब कभी किसी की पत्नी के साथ ये नहीं हो अरे पहाड़ खोद दिया पहाड़ खोद दिया कितनी तकलीफें आई होगी मोटिवेशन के लिए ना कोई ट्रेनिंग ना कोई सेमिनार ना कोई बीओपी अरे कैसे किया होगा अरे आग परमानेंट जलती है जब जिंदगी में जब आपकी डिजायर पुकारती है जब पत्नी को बीमारी से बचा नहीं पाया उस पहाड़ को लांगने में सारी दुनिया एक तरफ सिर्फ पहाड़ खोदूंगा ये मोटिवेशन तीस साल तक रखना ये बिरलो की बस की बात है जाधव मोलाई पयांग एक बारह साल का बच्चा आसाम की बाढ़ पूरा जंगल तबाह सारे पेड़ पौधे सारे पशु पक्षी सब तबाह उस बच्चे के मन में आई अरे रे अरे पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ बारह साल का बच्चा माँ बाप को जाके बोला पापा मैं पेड़ लगाना चाहता हूं पापा ने बोला बेटा तू बच्चा है तू पढ़ाई लिखाई कर फिर वो चाचा ताऊ को बोला जाके चाचा मैं पेड़ लगाना चाहता हूं परिवार वालों में पेड़ लगाना चाहता हूं तू पागल है क्या बेवकूफ है क्या तेरे खेलने कूदने के दिन है इतनी जंगल में बाढ़ आई है पूरा आसाम तबाह हो गया तू कैसी बातें कर रहा है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास गया भाई साहब मुझे पेड़ लगाने कोई मेरी मदद करेगा तू बच्चा है तू पेड़ लगाएगा पागल है क्या तू घर जा और खेल कूद सबसे बोल लिया किसी ने नहीं बोला पेड़ लगाएंगे और एक बारह साल का बच्चा इस प्रकृति को और ब्रह्मांड को संकेत देता है मैं पेड़ लगाऊंगा वो तीस साल पेड़ लगाया और कितना लगाया कि दुनिया का सबसे बड़े जंगलों में से एक जंगल जिसका नाम मोलाई फॉरेस्ट है 1360 एकड़ में उसने जंगल ही लगा दिया रणथंबोर का बापू इतना बड़ा जंगल लगा दिया उसने एक बच्चे ने अरे जिंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेशन की आग अगर किसी के अंदर रहेगी आपकी तड़प क्या है किसे पाना चाहते हो कितना धन दौलत और सुख समृद्धि पाना चाहते हो कितना है जो अब तक अनछुआ रह गया कितना है जिसे अभी अचीव नहीं कर पाया हूं इस तड़प को जितना चाहोगे यह मोटिवेट रखेगी ये गुफाओं में भी जाके फंस गए तो भी ये जिंदा रखेगी ये जिंदगी के संकटों में भी फंस गए तो डिजायर कहेगी तुझे कोई हरा नहीं सकता ये मोटिवेट रखती है आपकी बर्निंग डिजायर ये आग जब तक जिंदा है तब तक पूरी दुनिया आकर भी आपको परेशान कर लो आप हार नहीं पाओगे समुद्र कितना भी प्रयास कर ले जहा तब तक नहीं डूबता जब तक वो पानी लेना स्वीकार नहीं करे पानी लेना स्वीकार नहीं करे जहाज को डुबा नहीं सकता जिसने पानी लेना स्वीकार कर लिया उस दिन जहाज को डूबने से कोई बचा नहीं सकता आपकी डिजायर आपको परमानेंट फॉर एवर लाइफ टाइम मोटिवेट रखती है आपकी चाहत को अथेली पे रख के देखो प्रयास करो उसको जिंदगी में मूर्त रूप से उतार सको जो चाहिए उसको इतनी बे मोहब्बत करो आपका मोटिवेशन बाहर का मोटिवेशन कुछ दिन का है जैसे दुनिया में लोग जिनको जिंदगी में नशे को लेना पड़ता है मोटिवेट होने के लिए जिनको सपनों के नशे होते हैं जिनकी बर्निंग डिजायर तड़प के साथ होती है उनको दुनिया के किसी नशे की जरूरत नहीं होती रे, सपनों का नशा ही इतना जबरदस्त है कि लाइफ टाइम मोटिवेट रहता है इंसान आपका सपना भी आपको करेगा मोटिवेट